अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया था, जो मैंने एक गैस का स्टोव लाया था, तो इसका सिलेंडर जो था वो पेंडिंग था, तो वो मैं लेके आया हूँ। तो पहले आज इसको टेस्ट करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है, हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छे से इसका रिव्यू देखते हैं उसके बाद। और ये जो है सिलेंडर, ये मैं लेके आया हूँ, पहले इसी को ओपन करेंगे। और ये रही वो सिलेंडर जो इसमें यूज होता है, 225 ग्राम का गैस इसमें होता है। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, तो फिर देखेंगे इसको फिक्स कैसे करते हैं। ये जो है इसमें फिट हो चुका है अच्छे से, ये आप देख सकते हो सिलेंडर कैसे लगती है इसमें। बहुत इजी है ये, मगर ध्यान से करना पड़ेगा। इंसान पहली बार जो भी मतलब करेगा, ये इंसान प्रोडक्ट लाएगा, तो इसमें आराम से ध्यान से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं खुद पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले हम इसको देखते हैं ये जल्दा काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, ये आप देख सकते हो ये काम करता है अच्छे से, मगर मुझे बहुत सारा डर था, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, मगर ये बढ़िया है, काम करता है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारी गैस जल चुकी है और अच्छे से जल भी रही है, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और काम भी अच्छे से करता है। तो मेरी सलाह है कि आप इसको ला सकते हो और इसको अपने यूज़ में ला सकते हो, बहुत ही बढ़िया आइटम है। और मगर ये गैस सिलेंडर है, ये आपको लाने पड़ेंगे 2-4, क्योंकि इसमें 225 ग्राम्स का गैस होता है, तो इसको इंसान रिफ़िल कर सकता है ईज़िली, कहीं पर भी रिफ़िल कर सकता है। तो ये जो गैस स्टोव है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, और ये सिलेंडर आपको 2-4 लाने ही पड़ेंगे। मैंने अभी एक ही लाया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो आप भी इसको ला सकते हो, इसको काम में ला सकते हो, क्योंकि इंसान ट्रैक पे जाता है, फैमिली के साथ कहीं पर भी जा सकता है, तो इंसान इसको ईज़िली कैरी कर सकता है और वहाँ पर चाय खाना वाना ईज़िली बना सकता है। तो यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।